किसी रेल सी गुजरती। मैंने अभी तक जिंदगी में एक भी 10 to 5 जॉब नहीं किया है और मैंने अभी तक जिंदगी में सूट नहीं पहना है, तो ये दो मेरी इच्छाएं अभी भी बरकरार है और होपफुली कभी नहीं करना पड़ेगा कि सूट पहनूं या नौकरी लूं। नमस्ते, मेरा नाम राहुल राम है और मैं इंडियन ओशन बैंड में बेस गिटार बजाता हूँ, गाना गाता हूँ। यू कैनॉट बी इक्वली पैशनेट अबाउट टू थिंग्स एट द सेम टाइम, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। आई लव स्टडिंग, एक्चुअली वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। माई IIT GPA वॉज 9.96 out of 10। मैंने टॉक्सिकोलॉजी में PhD की थी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अमरीका में, तो मैं अमरीका में रह सकता था या तो कोई रिसर्च लैब में था या किसी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कॉरपोरेशन को ज्वाइन करता, वहाँ पे सूट पहन के झूठ बोलता। तो मैं वापस आ गया अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, बिना किसी प्लान के कि यहाँ पे क्या किया जाएगा। एज अ प्रोफेशनल टॉक्सिकोलॉजिस्ट आई हैव नेवर यूज्ड माय PhD, मगर मैंने वापस आके मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ गया। हाउ टू असेस एनालाइज डेटा इज समथिंग PhD टीचेस यू, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ साइंस PhD और द काइंड ऑफ PhD दैट आई वाज डूइंग। सो आई यूज दैट टू नर्मदा प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के जो 20 वॉल्यूम के प्रोजेक्ट पेपर्स थे, पूरा पढ़ा मैंने, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ा, तो उसका रिव्यू किया हम लोगों ने कि कितना सरकार झूठ बोल रहा है। व्हाइल यूजिंग द PhD टू लुक एट स्टफ यू लर्न अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, गवर्नेंस कैसे होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सब मैं सीखा, मैं था गरीब और उस टाइम पे पैसा और खुशी के बीच में लिंक टेनुअस है वो मैं समझ गया। हु न्यू व्हेन इंडियन ओशन स्टार्टेड इन 1990 दैट इंडियन ओशन मे बिकम समथिंग। अब उन दिनों में आप ये भी याद रखिए कि माध्यम कुछ खास नहीं थे, कोई इंटरनेट नहीं था और केबल टीवी अभी अभी शुरू हुआ था और सेलफोन वेलफोन व्हाट्सएप शॉर्ट्सएप साउंड क्लाउड इत्यादि सॉन्ग ड्यू माध्यम नहीं थे। आप कहाँ परफॉर्म करते थे? आप ज़्यादातर कॉलेज फेस्टिवल्स में परफॉर्म कर सकते थे, यही था। तो जिसने आपको सुना वो शायद आपको बुलाए, और आप कहाँ तक जाओगे? तो हमारे पास कोई साधन ही नहीं है इतने शो अचीव करने के लिए, तो हम लोग सब अलग अलग चीज़ें करते थे और पैसे कमाने के लिए। मैं जागरण में बजाया हूँ बहुत साल, 250 रुपये मिलते थे रात के, गाड़ियाँ नहीं थी, बस में घूमते थे, चल के जाते थे, कपड़े नहीं खरीदते थे और लकीली सेलफोन्स नहीं आए थे तब तक। जब भी हम बजाते थे ऑडियंस अप्रिशिएट करती थी, बजाते कम थे पर जब भी बजाते थे ऑडियंस को अच्छा लगता था। हमें ये मालूम हो गया कि संगीत जो हम बना रहे हैं वो लोगों को पसंद है, तो लगे रहे हम लोग। आई हैव लॉट ऑफ फन प्लेइंग विद इंडियन ओशन, नोबडी एल्स प्लेज म्यूजिक लाइक इंडियन ओशन। इट साउंड्स डिफरेंट, इट इज अ लॉट ऑफ, इट्स अ बिग चैलेंज, प्लस आई हैव वर्क 30 इयर्स टू मेक दिस थिंग मैन। मेरे को कोई रोक नहीं रहा है कि रह जाए, या मेरे को कोई रोक नहीं कर रहा है, दूसरे चीज़ें नहीं कर पाएगा, दूसरी चीज़ें कर रहा हूँ। प्रायोरिटाइज इंडियन ओशन होता है कि अगर मान ले एक डेट पे 2 शो आ गए हैं तो इंडियन ओशन का शो होगा, दूसरा नहीं होगा। ये हमेशा रहा है, क्योंकि हम ये रिकग्नाइज करते हैं कि हर इंसान के बड़े सारे अलग अलग फैसेट्स होते हैं। ऑल योर म्यूजिकल फैसेट्स विल बी मेट बाय वन बैंड, इट्स अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। पर जैसे मैं जब परिक्रमा के साथ 2-3 ऐसी रॉक गाने गा लेता हूँ, स्टेवे टू हेवन गा दिया या। अब जैसे मैं पिछले 5 साल से ऐसी तैसी डेमोक्रेसी कर रहा हूँ, मज़ा आता है मुझे, बहुत मज़ा आता है। The thing is, you know, with street dogs, it's very difficult to get them adopted. कोई ब्रीड का कुत्ता हो तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं लोग, स्ट्रीट डॉग्स को बहुत कम लोग अडॉप्ट करते हैं। अनारकली के पैर के ऊपर मोटरसाइकिल चले गया था जब वो इतनी थी,
तो शी डजंट हैव वन बैक लेग, शी ओनली हैज वन क्लॉ. सो वी ट्राइड टू पुट हर समवेयर एंड शी गॉट हर्ट एंड मर जाती वो, तो उसको वापस ले आए. तो ऐसे करके उगते गए. जब तुम्हारे पास इतने कुत्ते जाते तो सेंस करते हो कि हर कुत्ते की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है. बच्चों की तरह हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है ना, हर कुत्ते की भी अलग होती है. टूर करके घर आते हो और इतना एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स मिलता है जो कि बीबी से भी नहीं मिलता. आप ही अपना एक्सपेक्टेशन लेवल सेट करते हो, और अगर आप अपने सर्कमस्टेंस को देख के एक्सपेक्टेशन लेवल कम सेट करोगे तो खुद ही को कम दुखोगे. मेरा एक बंदा, मेरा दोस्त, आई वॉन्ट टू बी अ मिलियनेयर बिफोर आई एम 30. कहा क्यों, करेगा क्या तू उसके बाद? उसके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि समाज ने उसके दिमाग में ये सब घटिया सोच घुसा दिया था. आपका अगर दिमाग खुश है तो खास अमीरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता, खास दूसरी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो आप अपने पूरे दिलो दिमाग से कर रहे हो, उसमें आपको मजा आ रहा है. यू कैन नॉट डील विद स्टूपिडिटी, एंड स्टूपिडिटी की सप्लाई इन्फिनिट है. सो इंडियन ओशन हैज ऑलवेज मेंटेन दैट वी विल नेवर प्ले फॉर एनी पार्टीज प्रोग्राम. सरकार इज सरकार, दैट्स द गवर्नमेंट. वी ऑल पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, वी आर अंडर अ गवर्नमेंट, वी नीड अ गवर्नमेंट. सो टू डू शोज दैट आर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड is not a problem, but we consciously never will align with any party or play any party's songs. जैसे election time पे आते हैं ना लोग, सर गाना बना दो, but यार कुछ integrity के साथ जीना पड़ता है ना यार. तुम कितने, वैसे ही जिंदगी compromise है, जिंदगी ही compromise है ना. We never wanted Bollywood to become our identity. Bollywood तो खुद ही आ गया हमारे पास, हम तो गए नहीं. और हम सीख लिए थे तब तक कि भैया Bollywood बहुत ही dangerous चीज है. The first person to approach us was Anurag Kashyap. That is 13 years after the formation of the band Black Friday. And Black Friday then got stopped for 2 years. I'll tell you, Bollywood का चैलेंज क्या है कि हम इंडियन ओशन तो 8-10 मिनट के गाने बनाते हैं, लंबे लंबे, आराम से शुरू होगा, प्रोग्रेशन होगा, सुनो लेंगे, वहाँ जाएंगे, कहीं और चुके जाएंगे. बॉलीवुड में आपको 4 मिनट के अंदर पूरा पकौड़ा तल के देना पड़ता कि ये है सर. तो एवरीबडी इज स्पेशलाइज्ड एंड डज समथिंग बेटर देन द डू द अदर स्टफ, राइट? कोई पंडित जिस तरह से कहता है कि थैंया थैंया थैंया, नहीं ना. From about 95 onwards, I have done, for 20 years I did nothing but Indian Ocean. दूसरे musicians के साथ खास बजाया भी नहीं है मैंने. हम लोग ना अपनी दुनिया में रहते थे हम चार. और जो आप, मुझे पता नहीं आप दूसरे musicians के world में अगर घुसे हो तो they keep wanting to know दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उसको कितने पैसे मिल रहे शो के, अच्छा उसको वहाँ शो कैसे मिल गया, अच्छा वो कैसे बजाता है, अच्छा वो क्या करता है. हमारे दिमाग में ही नहीं था यार, हम चारों खुश थे और अपने ही अंदर खुश थे, इसलिए शायद हम लगे रहे. तू किसी रेल से गुजरती हो, मैं किसी पुल सा थर थराता हूं. तेरी आवाज के जो धागे उनसे मैं उंगलियां कटवाता किसी लंबी सफर की कुछ आलाप सा जलाता किसी रेल से
गुजरती है। मैं किसी पुल सा थर थर इंडियन ओशन है सर्वाइव्ड। जो पहले एक बैड पॉप का वेव आया था, फिर बैड पॉप एमटीवी, फिर आया दलेर जी का वेव, पंजाब है सब दूर पंजाबी, फिर आया रीमिक्स सब दूर रीमिक्स, फिर आया ईडीएम, अब आया गली बॉय। ठीक है, आई प्रिडिक्ट यू दिस, ओके, वी विल बी सब्जेक्टेड टू 5 years ऑफ रियली बैड रैप। तो वो सब तो हमने सर्वाइव कर लिया और हमने कुछ बदला नहीं, हम तो अपना ही किए जा रहे। अब हो सकता है दे विल कम अ पॉइंट वेयर इंडियन ओशन विल बिकम अ डायनासोर, क्योंकि हो ही सकता है कि किसी पॉइंट पे हमें शोज मिलना बंद हो जाएंगे। हो जाएंगी तो हो जाएंगी, चेंज तो इनेविटेबल है। मैं पीछे डिस्ट्रिक्ट नहीं डालने वाला, आई कांट डू दैट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो इन टू दैट। मजा नहीं आएगा ना, मजा आना चाहिए ना। तो अगर वो टाइप ऑफ म्यूजिक ही मेरे को पसंद नहीं है, मैं उसको अपने म्यूजिक में लाऊं जो मुझे पसंद नहीं है, नहीं उससे अच्छा तो रिटायर हो जाऊं यार, उससे अच्छा बैठे रहूं चुपचाप पहाड़ों में सात कुत्तों के साथ। Like a podium, who's my pretty? Like a podium.